नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आज मैं आपको चैनल पर। कामना करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं राहु के बारे में। दोस्तों जी हां, नवग्रह में हमारे जो है एक राहु ग्रह भी होता है और एक केतु ग्रह होता है। एक्चुअली राहु को इमेजिनरी पॉइंट कहा गया है, एक स्मोकी प्लैनेट्स कहे गए हैं। उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, उनको किसी भाव का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, लेकिन नक्षत्रों का स्वामित्व जरूर है। उनको राशियों का स्वामित्व नहीं प्रदान किया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है एक स्वर भानु नाम का राक्षस था, और समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो जब वो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण कर एक पंक्ति में देवताओं को और एक पंक्ति में असुरों को रखा गया था, और देवताओं को जब वो पिला रहे थे अमृत के घड़े से अमृत, तब स्वर भानु नाम का राक्षस जो था वो बहुत चतुर और चालाक था। उसे पता चल गया कि कुछ षड्यंत्र हो रहा है, तो देवताओं का रूप धारण करके फेस बदल कर देवताओं की पंक्ति में जाकर जब वो बैठ गया, सूर्य और चंद्र के बीच में जब जाके वो बैठ गया, तो विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को जो अमृत पिला रहे थे, तो जैसे ही उस राक्षस की ओर बढ़े जो कि देव का रूप धारण करके वहां था, उसको पिलाया और उसके गले के नीचे जैसे ही अमृत पिलाया उसको, वो पी रहा था, तब तक सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि ये देवता नहीं, ये स्वर भानु नाम का राक्षस जो वेश बदल कर आया है। और उन्होंने तुरंत सूर्य और चंद्र ने दोनों ने मिलकर विष्णु भगवान को मोहिनी को आगाह किया, और तुरंत विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसको स्वर भानु राक्षस जो था उसको उसके धड़ और उसे सिर को अलग कर दिया, उसके शरीर और सिर को अलग कर दिया। और लेकिन वो जो स्वर भानु नाम का राक्षस था उसने अमृत पी लिया था, इसलिए उसे अमरता का वरदान जरूर मिल गया। दोस्तों उसका वो जो बॉडी था, वो शरीर जो था, वो अमृत अमर हो गया। तो लेकिन जैसे ही उसको शरीर को उसको सिर से अलग किया गया, तो जो सर का पार्ट था, जो सिर का पार्ट है उसे राहु कहते हैं, और जो जो शरीर है सॉरी जो शरीर का पार्ट है उसे राहु कहते हैं, और जो सर है वो केतु है। दोस्तों जी हाँ, तो शरीर का जो पार्ट है उसे राहु कहते हैं। तो लेकिन राहु को लेकर बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां हैं। दोस्तों लोग राहु से बहुत डरते हैं, राहु के नाम पर आजकल बहुत ज्योतिष धंधा खोल के बैठ गए हैं दोस्तों, कि राहु कुछ नहीं आता उनको, तो शनि राहु केतु इसी के नाम पर अपना ज्योतिष चलाते हैं दोस्तों। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जैसे बाकी ग्रह हैं सूर्य मंगल चंद्र शनि, वैसे ही सेम राहु और केतु भी हैं दोस्तों। यहां तक कि मैं आपको कहूंगा कि गुरु भी अगर मेष लग्न में दशम भाव में बैठ जाएं तो वो भी मारक हो जाते हैं दोस्तों, वो आपकी जान ले लेंगे। तो क्या हम गुरु को इतना डरते क्यों नहीं गुरु से? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, हर ग्रह शुभ फल और अशुभ फल देता है दोस्तों। तो हमें उनसे बहुत डरने की जरूरत नहीं, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, जैसा ग्रह होता है हमें वैसे ही लेने की जरूरत है दोस्तों। तो इसीलिए हमें राहु से भी बहुत भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें उसके कारणों को समझना चाहिए। हर ग्रह अपना फल जरूर देता है। हाँ ये है कि राहु के जो फल है, जो उनके कारक तत्व है, जो उनकी जो नैसर्गिक फल देने की क्षमता है, वो फल जो होता है वो उतने अच्छे फल नहीं देते, लेकिन वो उनका स्वभाव है। लेकिन इतना भी उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक श्लोक है होरा पराशर से लिया हुआ, मैं आपको आज बताऊंगा, आप ध्यान से सुने तो आपको समझ में आएगा, आपको होरा से आपको राहु से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। वो श्लोक ऐसे है, कराल वदन खड़ग चर्म शूली वरप्रद। कराल वदन, कराल यानी कि विकराल, वदन यानी बदन, विकराल बदन वाला, बहुत ही बड़े बदन वाला। खड़ग चर्मशूली यानी चार हाथ है उसको, और एक हाथ में खड़ग एक हाथ में शूल लेने वाला। वर प्रद यानी वर देने वाला, जो ग्रह वर देता हो, वर यानी आशीर्वाद देने वाला है वो। तो उनके चार हाथ वाला बड़े ही विशाल काय बदन वाला उनका जो रूप है दोस्तों, तो इससे आपको वर देने वाला वो दोस्तों है वो ग्रह, तो उसमें आपको भयभीत होने की बात है। दूसरा लाइन नहीं है, दूसरा लाइन ये है, सिंहस्थ नील वर्णश्च राहु रेवम प्रकल्पयते। सिंहस्थ यानी सिंह की सवारी। दोस्तों दो ही भगवान ऐसे हैं, दो ही ऐसे देव हैं जो कि सिंह पर सवारी होकर आते हैं। एक तो आप स्वयं ही जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, माता जी दुर्गा माँ अम्बे माँ, वो जो है वो शेर की सवारी करती हैं, और दूसरे राहु भी जो सवारी है उनकी वो है शेर। तो शेर सिंहस्थ यानी शेर की सवारी, नील वर्णश्च यानी नीला वर्ण नहीं, नीला कलर नहीं, वो श्वेत सॉरी काले रंग के उनका शरीर है, नील वर्णश्च काला रंग। राहु रेवम प्रकल्पयते, ऐसा राहु का स्वरूप है दोस्तों। तो आप ये जान गए कि राहु का बड़ा ही विकराल रूप है, वो वरद रूप है यानी वरदान देने वाले हैं,
सिंह का सवारी करते हैं, वो वर्णश्च राहु रेव। तो हमको ये राहु के बारे में जानकारी जो है, ज्योतिष जो है अब हमको बरगलाते हैं, बहकाते हैं, हमें उनसे भयभीत होने की जरूरत नहीं, हमें जो है हमारे शास्त्रों से हमें जानकारी उसकी लेनी चाहिए। ऐसे श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका भय कम होगा, आप राहु को और अच्छी तरह से जान पाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैं शास्त्रों का अध्ययन करता हूं नित्य, तो उससे मुझे पता चलता है, और मैं चाहता हूं कि आप भी अच्छी ज्योतिष सीखें, आप भी जो है कि ग्रहों के बारे में अच्छी जानकारी रखें, हमारे ज्योतिष का जो नाम खराब हो गया है उससे आप बचें, और हमारे ज्योतिष को आप भी आगे ले जाएं, ऐसी जानकारियां आप लोगों तक फैलाएं। अगले एपिसोड में मैं आपको केतु के बारे में बताऊंगा दोस्तों, ऐसे ही केतु की बहुत सारी रोचक बातें हैं। और दूसरा बात, राहु के बारे में और भी चीज जान लेते हैं, जैसे राहु का फल जो देता है, वो राहु का जो फल देने की कारक तत्व तो है, वो जैसे राज्य को दिखता है, वो संग्रह दिखता है, कुतर्क बाहुबल है वो उसके अंदर। अब जैसे कि कहा गया है दोस्तों, राहुर बाहुर बलम करो तू, राहु जो है वो बल देता है दोस्तों। अगर राहु की महादशा चल रही हो तो आप देखेंगे आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपको बल देता है राहु। और राहु दोस्तों स्मोकी प्लेनेट है, वो एक हवा की झोंकी की तरह, वो छाया ग्रह है दोस्तों। शनिवत राहु और केजुवत कुजवत केतु कहा गया है दोस्तों। शनिवत राहु यानी शनि के जो तत्व जो फल है वो राहु देता है दोस्तों। तो जो राहु है वो हवा के झोंके की तरह है, वो छाया ग्रह है, जिस राशि के जिस ग्रह के साथ वो बैठ जाए उस ग्रह का फल वो देता ही देता है दोस्तों। वो गुरु के साथ बैठ जाए तो गुरु का फल देगा, अपना भी फल जरूर देगा। जैसे कि वो मर्मछेदी है, मर्मछेदी यानी कि बातों में कुतर्क करता है वो। अगर दो लोग बात कर रहे हो तो कुछ ऐसी बातें कहेगा जो सामने वालों को हर्ट कर दे, तो वो अच्छी बातें नहीं करेगा। दो लोग बात संवाद कर रहे हो तो बात संवाद अलग होता है, लेकिन बात संवाद में ऐसी कुछ बातें करना जो दूसरों को अप्रसन्न करे, उसको चिढ़ पैदा करे, वैसे मर्मछेदी होते हैं, वो अधार्मिक होते हैं दोस्तों। और वो जुआ और स्त्री गमन, गंदगी, अन्य देश में जाना का कारक होता है राहु दोस्तों। अगर आपकी उसमें राहु अगर बहुत प्रबल है कुंडली में दोस्तों, तो आपका विदेश जाना तय है दोस्तों, ये मान लीजिए। उसमें और भी बहुत सारे चीजें हैं जो देखनी होंगी। और झूठ का कारक होता है राहु, भ्रम फैलाता है दोस्तों। अगर आपके जीवन में आप देख रहे हो कि आपकी मानसिक स्थिति बहुत क्लैरिटी नहीं है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप भ्रमित हैं, तो देखिएगा ये राहु का जरूर से जरूर समय चल रहा होगा, महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी। सूजन का कारक है राहु दोस्तों। और विषम स्थानों, गंदगी जो स्थान होते हैं, गंदगी भरे कचड़े और ऐसी जंगली जगहें और कटीली जगहें जहां पे कटीली झाड़ियां होती हैं, जंगल होता है, कटी प्रदेश है, वैसे ही जगहों का कारक होता है दोस्तों राहु। वायु का कारक होता है, कफ से पीड़ा, दुर्जनों से संग होता है, सर्प का, अगर आपके सपने में सर्प आते हैं तो राहु का हलचल हो रहा है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान देना है। सभी गुप्त वस्तुओं का मालिक होता है दोस्तों राहु, जैसे गुप्त ज्ञान होता है, गुप्त रोग, ऐसे चीजों का कारक है राहु दोस्तों। और श्वास और खांसी की बीमारी और कठोर, बहुत ही कठोर भाषण देना, मतलब बहुत ही तीव्र तीखे वाणी का इस्तेमाल करना, और मृत्यु का समय भी बताता है राहु दोस्तों। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे राहु को कहा गया है कि ये क्रूर ग्रह है, ये पापी ग्रह है, ये अच्छा ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह है माना जाता है दोस्तों। हाँ, वो सब तो चीजें हैं, लेकिन राहु शुभ फल भी देता है दोस्तों, वो वर भी देता है। वो सारे ग्रह भगवान, सारे ग्रह देव हैं दोस्तों, वो हर सारे ग्रह आपको आशीर्वाद ही देना चाहते हैं। वो तो आपका कर्म है जो आपको ऐसे फल देने पे ऐसा समय दिखा रहा है दोस्तों, तो वो सिर्फ आपके फल, अब जो आपने जो कर्म किए होंगे उसका फल देते हैं दोस्तों। तो अगले वीडियोस में मैं आपको राहु के कुछ उपाय भी बताऊंगा दोस्तों, तो इसको देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और कृपया करके अगर आप अपनी कुंडली का विशेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली के बारे में कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप ग्रहों के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपको मेडिकल रिलेटेड, आपको करियर रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी जानकारी कुंडली के माध्यम से चाहिए, तो आप अपनी कुंडली हमें टाइमिंग, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेज दीजिए दोस्तों, मेल फीमेल हमें भेज दीजिए, उसे हम आपको जानकारी पूरी दे सकते हैं। कुछ छोटा सा दक्षिणा आपको देना होगा दोस्तों, बस आपकी कुंडली पूरी एकदम सटीक तरीके से, ना ही कोई टोना ना ही कोई टोटका, आपको छोटा सा उपाय, छोटे कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं, वैसे मैं उपाय आपको बता दूंगा, और आपको सारी सटीक जानकारियां दोस्तों उसमें मिल जाएंगी। आपको फोन पे चाहेंगे तो फोन पे मिल जाएगा, ईमेल पे चाहेंगे तो ईमेल पे मिल जाएगा। मैंने अपना ईमेल आईडी और अपना फोन नंबर आपको इस वीडियो के नीचे जरूर दे दूंगा दोस्तों, तो आप चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, आपकी कुंडली का विवेचन पूरा करके मैं आपको बता सकता हूं दोस्तों। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम दूंगा और मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार।